और उज्जैन के इंदौर रोड स्थित मुनि नगर तालाब के पास एक स्कूल में दो छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने 12वीं क्लास के छात्र के पेट में चाकू मार दिया। हादसे से सवाल उठने लगा है कि आखिर बच्चों को क्या हो गया है, शिक्षा के मंदिर में ये क्या हो रहा है। उज्जैन से छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। 10वीं और 12वीं के छात्र के बीच चाकूबाजी का ये मामला काफी चिंतित करने वाला है। बच्चों में ऐसी हिंसक मानसिकता आने की वजह क्या है? पिछले साल कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुले थे तब भी उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें छात्र ने अपने सहपाठी को चाकू मार दिया था। विवाद सिर्फ बैठने को लेकर था और ताजा मामला सिर्फ गाली देने को लेकर था। उसके बाद विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया। मामला मुनि नगर तालाब के पास एक निजी स्कूल का है। स्कूल में गाली देने को लेकर दो छात्रों में विवाद हुआ था। 10वीं और 12वीं के छात्रों के बीच हुआ था विवाद। 12वीं का छात्र 10वीं क्लास में गाली देने वाले का नाम पूछने गया था, लेकिन क्लास में मौजूद शिक्षक ने छात्र को क्लास से बाहर कर दिया। तभी 10वीं की क्लास से एक छात्र निकला और उस छात्र के पेट में चाकू मार दिया। घायल छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और आईसीयू में इलाज जारी है। चाकूबाजी के बाद घायल छात्र के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया, साथ ही पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रही है। घायल छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सिक्योरिटी के बावजूद भी बच्चा स्कूल में चाकू लेकर कैसे पहुँचा। वो स्कूल गया था, स्कूल में जो है एक लड़के ने चाकू मारा है, ये मुझे मालूम, लड़के का नाम मालूम नहीं है। अब ये तो प्रिंसिपल और मैडमों को मालूम है कि वो लड़का कौन था और क्या नाम था। स्कूल में जो है सिक्योरिटी रहती है, हाँ, चाकू मतलब जो है लेके आना बहुत ही गलत है, फिर क्या ध्यान रखते हैं ये बच्चों का। डॉक्टर ने बताया कि छात्र को सीने के नीचे पसली में गंभीर चोटें आई हैं, जिस वजह से छात्र की हालत गंभीर है। लेकिन पिता के साथ इस घटना के बारे में सबका सवाल बस एक ही है कि स्कूल में चाकू कैसे पहुंचा। और जब विवाद पहले से था तो स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल ने उस विवाद को सुलझाया क्यों नहीं? जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य के बारे में योजना बनाते हैं उस उम्र में हिंसा की मानसिकता कैसे आई? टीम न्यूज स्टेट। और वहीं नरसिंहपुर के मारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई है तो वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल लाया गया और इस हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों ने बताया है कि मजदूर खेत में धान लगा रहे थे तभी आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पता नहीं था सर, लबूद लगा खेत से निकल, पानी गिर रहा, खेत से निकल के जा रहे थे, अचानक गिर पड़े। अचानक सीधे गिर पड़े, पता ही नहीं लगा कब होगा पानी। कैसे महसूस हुआ? उस टाइम कुछ महसूस नहीं हुआ, अपने आप हाथ पैर बिल्कुल थे। और छिंदवाड़ा जिले से तामिया कॉलेज की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। कॉलेज की हालत ऐसी हो गई है कि वो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। ऐसे में छात्र दहशत के बीच स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं और हालत ऐसे हैं कि बारिश के बाद दीवारों से पानी रिसने लगता है। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा जिले के तामिया महाविद्यालय की है। कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए इस महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, लेकिन आज तामिया कॉलेज बदहाली के आंसू रो रहा है। कॉलेज की पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। हल्की बारिश के बाद छतों और दीवारों से पानी रिसना शुरू हो गया है। ऐसे में यहां छात्र दहशत के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हमारी समस्या यह है कि यहां पे कॉलेज में पूरा पानी गिर रहा है और हमको पढ़ाई भी नहीं हो पा रही अच्छे से। कभी ये वाली क्लास में बिठाते हैं, कभी वो वाली क्लास में बिठाते हैं, पूरा में पानी भर जाता है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, तो इससे हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द कॉलेज बनाया जाए। वही कॉलेज की बदहाली को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी है। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि आदिवासी अंचल है, आदिवासी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, खेल कूद की व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो को सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए।
दो साल पहले तत्कालीन सरकार ने कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने के लिए 7,57,00,000 रुपए की स्वीकृति मिली थी, लेकिन कॉलेज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और छात्र दहशत के बीच पढ़ाई करने को मजबूर है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।